नमस्कार। छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ के अनियमित कर्मचारियों की हड़ताल का आज 11वां दिन रहा। महासंघ के राज्य स्तरीय हड़ताल में पूरे प्रदेश से 1 लाख अनियमित कर्मचारी रायपुर में धरने पर बैठे हैं। महासंघ के सदस्य आज भी शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर बैठे रहे। संघ द्वारा किए गए आमरण अनशन के फैसले के पालन में आज से 120 सदस्य क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। महासंघ के प्रांत अध्यक्ष अनिल देवांगन ने बताया कि हम वैसे भी नाम को ही जिंदा हैं, ना तो अपने बाल बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे पा रहे हैं और ना ही सम्मानजनक ढंग से जी पा रहे हैं। ऐसे में अपनी मांगों के समर्थन में आमरण अनशन करते हुए मर जाना ही बेहतर है, शायद शासन यही चाहता है। अतः हमारी क्रमिक भूख हड़ताल निश्चित समय सीमा के पश्चात आमरण अनशन में परिवर्तित हो जाएगी। बता दें कि 31 जुलाई को सरकार की कैबिनेट बैठक है। अनियमित कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस कैबिनेट के बैठक में उनकी मांगों के संबंध में चर्चा होगी और कोई सकारात्मक निर्णय निकल कर आएगा, किंतु सूत्रों के अनुसार कैबिनेट में अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है। अब ये देखना होगा कि इतनी अधिक संख्या में उपस्थित आंदोलनकारियों को सरकार कब तक नजरअंदाज करेगी। हमारी 4 सूत्री मांगे हैं सर। हम पहला मांग है जो हमको 62 वर्ष की सेवावृत्ति प्राप्त हो। दूसरी मांग है कि समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। तीसरी मांग है हमारी जो महत्वपूर्ण है कि 2 सालों से जो हमारे कर्मचारी भाई बंधुओं को निकाला गया है नौकरी से, उन्हें वापस लिया जाए। और चौथी मांग है कि ठेका पसार बंद कर हमें समान कार्य समान वेतन प्रदान किया जाए। मुलाकात का दौर चल रहा है, सकारात्मक पहल मिल रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मुलाकात नहीं हुई है। जब उनसे मुलाकात होगी तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम कल से आमरण अनशन में बैठेंगे और जब तक हमारी मांगे पूर्ण न हो जाए हम आमरण अनशन से नहीं उठेंगे। छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील के प्रांतीय महासचिव राजकुमार कुशवाहा ने बताया कि संघ सेवा वृद्धि एवं सेवा से पृथक करने का भय समाप्त करने, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने, विगत कुछ वर्षों से सेवा से पृथक किए गए कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने, शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को नियमित करने, आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा पूर्ण रूप से बंद कर शासकीय सेवक का दर्जा देने की मांग प्रमुख है। छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे 16 जुलाई 2018 से समस्त अनियमित कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का 12वां दिन है। शासन प्रशासन की ओर से कोई भी हमको सकारात्मक पहल देखने को अभी तक नहीं मिली है। हमने अपनी मांगे शासन प्रशासन को इससे पहले कई बार हमने उनसे अवगत कराया गया था। आपको अवगत होगा कि 3 जुलाई 2018 को विधानसभा घेराव, सांकेतिक विधानसभा घेराव कर हमने शासन को अपना मांग पत्र दिया था, लेकिन उस पर भी आज पर्यंत तक कोई विचार नहीं किया गया है। शासन की ये कड़ी रुक जो है, हम समस्त अनियमित कर्मचारियों को यह कोई अन्य कार्य करने के लिए जो है बाधित कर रहे हैं, जिसके तहत हमने 16 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। अगर शासन किसी प्रकार से कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखता है तो अनशन के लिए हम समस्त अनियमित कर्मचारी बैठ जाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। For more information, log on to www.clips.in.